हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना पुराना वाला चैप्टर जो पहले स्टार्ट किया था, रिग्रेशन इक्वेशन। आज हम इसमें सीखेंगे कि अगर हमें दो रिग्रेशन इक्वेशंस गिवन है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि दोनों में से कौन सी इक्वेशन वाई ऑन एक्स वाली है और कौन सी एक्स ऑन वाई। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि दो इक्वेशन में से कौन सी वाई ऑन एक्स, कौन सी एक्स ऑन वाई। सपोज कर लेते हैं, सबसे पहले हमें दो इक्वेशंस गिवन होंगी तो उसका मेथड इस तरह से है, राइट ईच इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो सबसे पहला काम यह है कि दोनों इक्वेशंस को वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख दो, जैसा कि पहले आप लोगों ने कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा होगा, जहां पर m की वैल्यू होती है स्लोप और c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ना, एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उस फॉर्म में लिख देंगे। और इसके बाद हम दोनों इक्वेशंस का स्लोप पता लगाएंगे, स्लोप ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, स्लोप ऑफ सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस का स्लोप पता लगाने के बाद द लाइन वो स्लोप इज स्मॉलर, दोनों में से जिसका भी स्लोप छोटा होगा वो वाली रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स वाली होगी और दूसरी वाली एक्स ऑन वाई। क्योंकि हमने रिग्रेशन इक्वेशंस की प्रॉपर्टीज में सीखा है, स्लोप ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू स्लोप ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। वाई ऑन एक्स का स्लोप एक्स ऑन वाई से छोटा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। एग्जांपल में हमें दो इक्वेशंस गिवन है और हमें पता लगाना है कौन सी वाई ऑन एक्स और कौन सी एक्स ऑन वाई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को वाई ऑन एक्स की फॉर्म में, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा, तो ये बन गया वाई इक्वल टू टू एक्स बाय थ्री माइनस टेन बाय थ्री। और सेकेंड इक्वेशन को भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा तो बन गया y इक्वल टू फाइव एक्स बाय फोर माइनस ट्वेल्व बाय फोर। तो हमने दोनों का स्लोप पता लगा लिया, फर्स्ट इक्वेशन का स्लोप हो गया ये टू बाय थ्री, ये रहा, और सेकेंड इक्वेशन का स्लोप हो गया फाइव बाय फोर। तो हमने m1 m2 की वैल्यू पता लगा ली। अब इसके बाद हमें देखना दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है। तो आप देखो टू बाय थ्री और फाइव बाय फोर, ये नंबर छोटा है तो 2 बाई थ्री जो है दैट इज स्मॉलर। तो ये पहली इक्वेशन का स्लोप छोटा आया तो देयरफॉर जो फर्स्ट इक्वेशन है वो y ऑन x है एंड सेकंड इक्वेशन जो है दैट इज x ऑन y। इसका स्लोप छोटा आया वो y ऑन x और द अदर लाइन इज रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। पहली वाली वाई ऑन एक्स और जो दूसरी लाइन बच जाएगी वो एक्स ऑन वाई हो जाएगी। तो इसमें फर्स्ट का स्लोप छोटा आया, फर्स्ट वाली वाई ऑन एक्स एंड सेकेंड इक्वेशन इज एक्स ऑन वाई। तो जो पहली वाली वाई ऑन एक्स है उसे तो इसी फॉर्म में रहने देंगे हम लोग, और जो सेकेंड इक्वेशन एक्स ऑन वाई है तो उसे हमें दोबारा एक्स ऑन वाई की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो उसका एक्स इधर छोड़ देंगे और y उधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा 4y प्लस 12 और अपॉन में 5, दैट इज द आंसर। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन होगी हमारी x ऑन y और ये वाली हो गई y ऑन x। तो बड़ा ही आसान मेथड है, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में लिखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद दोनों का स्लोप पता लगाओ, जिसका स्लोप छोटा आया स्मॉलर, ठीक है, वो वाई ऑन एक्स है। पहली वाली इक्वेशन वाई ऑन एक्स और दूसरी वाली एक्स ऑन वाई। बहुत ही आसान मेथड है, इसको मिटा रहा हूं मैं, नोट कर लो सारा कुछ। सपोज कर लेते हैं ये एग्जाम्पल नंबर वन था और अब हम इसमें एक और एग्जाम्पल सीखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर टू, इसमें हमें गिवन है 7x प्लस 8y इक्वल टू
47 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 25। तो दिस एंड दिस आर टू रिग्रेशन इक्वेशंस। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इनको इनका स्लोप पता लगाना है। तो दोनों को ही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दोनों को ही लिखेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन में हम लोग पहले फर्स्ट इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे, तो y इधर छोड़ देंगे, 7x उधर जाएगा, माइनस 7x प्लस 47 और y का कोफिशेंट है 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो देयरफॉर m1 की वैल्यू आ गई माइनस 7/8। और इसके बाद लिखेंगे हम सेकेंड इक्वेशन, उसे भी y की फॉर्म में लिखना है, y इधर बाकी सारा उधर, माइनस 3x प्लस 25 और डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, ये y के साथ 4 आ रहा है ना। तो देयरफॉर m2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/4। तो हमें इनका मॉडुलस निकाल देना है। अच्छा, जब हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर छोटा कौन सा बड़ा है, तो उनका साइन नहीं देखना, बिना साइन देखे पता लगाना है, ठीक है। तो हमने देखा कि 3/4 ये वाला नंबर स्मॉलर है, स्मॉलर है कि नहीं, बाय इग्नोरिंग द साइन, सिंस 3/4 इज लेस देन 7/8, ये छोटा आ गया। तो देयरफॉर सेकेंड इक्वेशन में छोटा आया, देयरफॉर सेकेंड इक्वेशन इज ऑफ y on x, जिसका स्लोप छोटा आएगा वो y on x होगा, ठीक है। तो ये तो सही फॉर्म में लिखी हुई है, y इक्वल टू माइनस 3x प्लस बाय 4 और प्लस 25/4। लेकिन जो x on y वाली है वो पहली वाली इक्वेशन है, तो इसको x on y की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अच्छा, और फर्स्ट इक्वेशन इज ऑफ x on y, तो इसे x on y की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब इसका x यहीं छोड़ देंगे, y उधर ले जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8y प्लस 47 और डिवाइडेड बाय 7, दैट्स ऑल। तो मैं फिर से बार बार बता रहा हूँ, पहली बार दोनों को y y की फॉर्म में लिखना है, y इधर, लेकिन जिसका स्लोप छोटा आ जाए वो तो ठीक है, ये सही है, ये y on x हो गया। अच्छा, लेकिन जिसका स्लोप बड़ा आ गया उसे वापस x on y की फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्लियर हो गया, नोट करो, फिर हम इसे मिटाएंगे। अब मैं आपको सेम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इससे भी शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, जिसमें हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे और देखते ही बता देंगे कौन सी इक्वेशन y on x, कौन सी x on y। तो ये जो मेथड हम सीखने जा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सूटेबल रहेगा, क्वेश्चन को देखा और विदाउट राइटिंग एनी वर्ड हम बता देंगे कि कौन सी छोटी, कौन सी y on x और कौन सी x on y है, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशंस, ए वेरी शॉर्टकट मेथड। तो एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड से हम लोग देखने जा रहे हैं, सेम क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 7x प्लस 8y इक्वल टू 47
और 3x प्लस 4y इक्वल टू 25। थोड़ा सा नीचे करके लिख दिया। अच्छा ठीक है, ये दो इक्वेशंस थी हमें। देखो बस थोड़ा सा इतना सा लिखना पड़ेगा कि इन्हें ऐसे करके हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 7 4 द 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसे लेफ्ट साइड में लिखना है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 द 24, और इसे ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ऐसे राइट साइड में लिखना है। ठीक है, अब देखो पहले तो हम क्या करते थे, दोनों को ही वाई इधर करके लिख दिया, फिर पता लगाया कौन सा सही है, और दूसरी इक्वेशन को फिर हम एक्स ऑन वाई की फॉर्म में लेकर आते थे। इसमें क्या है कि हम पहली बार में ही दोनों को सही फॉर्म में लिख देंगे। तो पहली बार में सही फॉर्म में लिखने का मेथड यह है कि ये देखो इन दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा वाला प्रोडक्ट ग्रेटर आया, ग्रेटर आया 28, तो इन दो वेरिएबल्स को ऐसे करके बॉक्स में मत कर दो, और ये वाले दो वेरिएबल बनेंगे हमारे लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल्स। तो जिनका प्रोडक्ट ग्रेटर आया वो बनेंगे लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल्स, और जिनका प्रोडक्ट छोटा आया वो जाएंगे राइट साइड में। ये बन जाएंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल्स। तो नेचुरल है कि जब नीचे वाली इक्वेशन में ये लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल है, एक्स उधर जाएगा, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी वाई ऑन एक्स, और फर्स्ट वाली इक्वेशन में ये वाला वेरिएबल यहां रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस इक्वेशन में से वाई उधर जाएगा और एक्स यहां रहेगा, तो ये बन जाएगी एक्स ऑन वाई। बड़ा ही आसान मेथड है, दोनों में से जिसका ही प्रोडक्ट बड़ा आया वो वाले वेरिएबल यहां रहेंगे, छोटे वाले वेरिएबल वाले उस तरफ जाएंगे, इस तरफ। लिख के दिखा देता हूं, ये 7x ठीक है इधर रहेगा, तो इक्वल टू 8y उधर जाएगा, माइनस 8y प्लस 47, और फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, तो इसके अपॉन में 7 अपॉन में 7, तो ये एक्स ऑन वाई हो गया, और नीचे वाले में से ये y इधर रहेगा, जिसको हमने बॉक्स में बंद किया वो वेरिएबल यहाँ रहेगा। 3x प्लस 4y इक्वल 25 में से y यहाँ रहेगा, 3x उधर जाएगा, तो माइनस 3x प्लस 25 और अपॉन में 4 4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगी हमारी y ऑन x। बहुत ही आसान मेथड था, नया मेथड हमने सीखा है। पहले हम दोनों को y ऑन x y ऑन x की फॉर्म में लिखते थे, फिर देखते थे छोटा नंबर कौन सा आया वो सही होता था, दूसरे को उल्टा करके लिखते थे। यहाँ पर क्या है कि हमने पहले ही पता लगा दिया कि कौन सा वेरिएबल लेफ्ट साइड में रहेगा और कौन सा राइट साइड में जाएगा। ठीक है, इसमें से ये राइट साइड में जाएगा और इसमें से ये वाला राइट साइड में जाएगा। अच्छा, एक्स उधर जाएगा तो ले गए, इसमें से वाई उधर जाएगा तो ले गए, 7x यहाँ छोड़ दिया। तो कैसा लगा ये शॉर्टकट मेथड? नेचुरल है, बहुत ही अच्छा था। ठीक है, गुड, नोट करो, फिर हम इसे मिटाएंगे। तो इस मेथड की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे हम उसे भी। दैट इज एग्जांपल नंबर 3। 2x प्लस 7y इक्वल टू 25 एंड 3x प्लस 13y इक्वल टू 28। अब क्या करना है हमें, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को किया 3 7 द 21, और इन दोनों को किया 13 2 द 26, 7 3 द 26।
21 और 26, तो जिसका प्रोडक्ट ग्रेटर आया वो वाले वेरिएबल्स हमारे लेफ्ट साइड में रहेंगे। और जिनका प्रोडक्ट छोटा आया वो वाली वेरिएबल्स इस तरफ जाएंगे, ये दोनों। ठीक है, तो दोबारा से सोच के बताओ, 2x प्लस 7y इक्वल टू 25, तो इसका कौन सा वेरिएबल लेफ्ट साइड में रहेगा जो इस बॉक्स में आ रहा है? x। तो इसका x यहाँ छोड़ना है, y उधर लेकर जाना है। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7y प्लस 25 और अपॉन में 2। और दूसरी इक्वेशन लिखी हमने 3x प्लस 13y इक्वल टू 28, इसका कौन सा वेरिएबल लेफ्ट साइड में रहेगा जो इस बॉक्स में आ रहा है? y। तो इसका y इधर छोड़ेंगे, x उधर लेकर जाएंगे, तो आएगा माइनस 3x प्लस 28 और अपॉन में 13 से डिवाइड कर देंगे इसको। दैट्स ऑल। अपने आप ही ये नीचे वाली y on x और ऊपर वाली x on y की फॉर्म में आ गई, एक बार में ही सही आंसर आ गया। दैट इज द आंसर। वेरी गुड मेथड, बहुत ही अच्छा मेथड है और वेरी शॉर्टकट। लेफ्ट वाला पोर्शन मिटा दें, नोट कर लो, अगर कुछ करना है तो। अब हम एक न्यू प्रॉपर्टी सीखेंगे ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस। न्यू प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस वो इस तरह से है कि अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, मैं उसे अप्लाई भी करके दिखा रहा हूँ। u इज इक्वल टू 5x प्लस 7 एंड v इज इक्वल टू 8y प्लस 10। हमने x को 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 ऐड कर दिया, और y को 8 से मल्टीप्लाई किया और 10 ऐड कर दिया, तो वो v बन गया। ठीक है, एंड dyx की वैल्यू हमें दी हुई है 4/7 एंड bxy की वैल्यू हमें गिवन है 3/2। byx bxy गिवन है और ये दोनों इक्वेशन भी गिवन है, और हमें फाइंड करने के लिए कहा है vu एंड vu ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन इस तरह से है, तो जो सॉल्यूशन है उसमें नेचुरल कोई प्रॉपर्टी लगेगी, तो प्रॉपर्टी यहाँ पर समझा रहा हूँ, फिर अलग से भी लिखवा दूंगा। तो फॉर्मूला ये है, vvu इज इक्वल टू vyx से ही vu बनेगा ना, y से v, x से u, मल्टीप्लाइड बाय कोफिशियंट ऑफ y डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ x। y ऑन x है तो y का कोफिशियंट ऊपर, x का कोफिशियंट नीचे। तो bYx की वैल्यू 4/7 और कोफिशियंट ऑफ y 8 और कोफिशियंट ऑफ x 5, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 32/35। और बी यू वी फाइंड करना है, उसकी वैल्यू हो जाएगी बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय, एक्स पहले आ रहा है तो कोफिशियंट ऑफ एक्स ऊपर आएगा और डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ वाई
बी एक्स वाई, एक्स ऑन वाई, एक्स ऊपर वाई नीचे, बी एक्स वाई 3/2 मल्टीप्लाइड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज 5, कोफिशियंट ऑफ वाई 8, ये बन जाएगा 15/16। ठीक समझ आ गया? दैट इज आंसर। तो अल्टीमेटली ये है प्रॉपर्टी, न्यू प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, दिस इज द प्रॉपर्टीज। मैंने साथ में प्रॉपर्टी अप्लाई करके क्वेश्चन भी सॉल्व करना सिखा दिया आपको, ठीक है। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होगा, आप इसे नोट कर लो पहले। और ये हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो रहा है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।